मैंने आपको शिव कुमारी मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का मिड वेरिएंट जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट रहने वाला है। अगर आप फ्रोंक्स का कोई ऐसा वेरिएंट देख रहे हैं जिसमें आपको सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाए, जैसे अलॉय व्हील्स हो गए, टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इसके अलावा काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको उस कार के डेल्टा प्लस वेरिएंट में मिल जाते हैं। मैंने आपको उस कार के लोअर वेरिएंट काफ़ी सारे दिखा दिए, बेस मॉडल भी दिखा दिया, डेल्टा भी दिखा दिया, पर लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फीचर की कमी रहती है। देखने में ऐसा नहीं लगता कि टॉप मॉडल जैसा हो, पर लेकिन आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स की वजह से कार देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है एक्सटीरियर से, और इंटीरियर में आपको आपके हिसाब के सभी बढ़िया फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे टस्किन एंटरटेनमेंट सिस्टम हो गया, और इसके अलावा पूरी फीचर्स से लोडेड रहने वाले। अगर आपको फिर भी फीचर की कमी लगती है फिर आप इसके अपर मॉडल के साइड जा सकते हैं, और एक एक करके हम सभी फीचर्स को देख लेंगे, क्या क्या आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं, इस अपर मॉडल में क्या मिल जाएंगे, प्राइस डिफरेंस क्या रहेगा, कौन सा वेरिएंट फिर वैल्यू फॉर मनी है इस कार का, एक एक सभी चीजों को हम देखने वाले हैं। पहले अगर आप देखते हैं कार को एक्सटीरियर से, देखने में काफी बढ़िया लगती है, लुक्स काफी बढ़िया लगते हैं इस कार के, और स्पेशली इस कलर में नेक्सा ब्लू कलर रहने वाला इस कार का। पीछे भी सकते हो मैं इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से, यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएस मिल जाते हैं और एलईडी इंडिकेटर्स रहने वाले हैं, डुअल फंक्शनिंग के साथ रहेंगे। और इस कार की ग्रिल आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाएगा, सुजुकी का लोगो हो गया, और एलईडी आपको इसमें हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो काफ़ी बढ़िया बात है, और रेस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया रहने वाला है हेडलाइट्स का। ये साइड होगी सिल्वर स्किट प्लेट, फिर ओवरऑल कुछ लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, पूरी गजब लगती है इस कार की लुक्स अगर आप इस कार को फ्रंट से देखेंगे तो। अब इस कार का डेल्टा वेरिएंट लेते हैं ना, तो आपको उसमें एलईडी आर एल जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, बेसिक सी लगती है देखने में। अगर आपको फीचर लोडेड गाड़ी देखना है जिसमें लुक्स बढ़िया हो, कॉस्मेटिक फीचर्स अच्छे मिल जाएं, तो आपको फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट की साइड जाना पड़ेगा। और अच्छी बात फिर ये भी रहेगी, आप जब इस कार की साइड प्रोफाइल को देखेंगे तो आपकी नज़र एलॉय व्हील्स पर जाएगी, भले से आपको डुअल टोन कलर के आपको एलॉय व्हील्स ना मिले, डायमंड कट एलॉय व्हील्स, पर आपको ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगते हैं। इन सब साइड होगी क्लैडिंग जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है, वीरस है वो आर्म जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाएगा, इंडिकेटर भी आपको इसी पे दिया जाता है। एक प्लेट हो गया बॉडी कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है इस कार की वार्ड बीएम्स, रूफ रेस मिल जाएंगी, वीरा डोर हैंडल बॉडी कलर में, और थ्री टोन कलर में इस कार का इंटीरियर रहेगा, देखने में काफ़ी बढ़िया और फीचर्स से लोडेड रहने वाला है। किस तरह के फीचर्स रहेंगे वो सबको वीडियो में देखने वाले हैं। बी प्लेट हो गया ब्लैक कलर का, यहाँ पर हो गया फ्यूलिड कोड ड्राइवर साइड, फिर एक कंबाइंड लुक बैक साइड प्रोफाइल की। अगर आप इस कार का डेल्टा प्लस वेरिएंट लेंगे तो कुछ फीचर्स भी आपको कम मिलेंगे, आपको जो फीचर्स अगर आपको और चाहिए तो आपको टॉप मॉडल के साइड जाना पड़ेगा, जैसे कि आपको कनेक्टिंग टेल लाइट नहीं मिलेगी, और फिर ओवरऑल कंबाइन लुक उस तरह की लगती है। अगर आप डायमेंशन वाइज देखेंगे तो डायमेंशन पूरी गजब रहने वाली है, आपको बलिनों से बड़ी डायमेंशन लगने वाली है फ्रॉन्क्स की, और फिर ओवरऑल इस कार की बैक प्रोफाइल, बैक से जब एलईडी टेल लाइट ऑन हो जाती है पूरी गजब लगती है देखने पर। पश्चिम हो गया शार्क फिन एंटीना, रेयर स्पॉइलर, हैमेड स्टॉप लैंप, रेयर डिफोगर हो गया, यहाँ पर सुजुकी का लोगो हो गया, एलईडी टेल लाइट, फ्रॉन्क्स की बैजिंग है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, चार पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं। ये साइड होगी सिल्वर स्किट प्लेट। अब चलिए हम आपको इसका बूट दिखाते हैं, कितना स्पेस आपको इस कार के बूट में दिया जाएगा। ये इसका बूट, पार्श्व ट्रे मिल जाएगी आपको यहाँ पर, वो स्पेयर व्हील 16 इंच का रहने वाला है, सेम प्रोफाइल रहेगी। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जैसे आपने देखा कुछ नए फीचर्स आपको एक्सटीरियर से ऑफर करे जाते हैं, जैसे आपने देखा इसमें आपको एलईडी डीआरएस मिल जाएंगी, 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स जो कि ऑटो हेडलैम्प्स रहेंगे, और जैसे और फीचर्स हैं जैसे बॉडी कलर के वार्ड भी हम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, रेयर पार्श्व ट्रे, क्रोम ग्रिल, ये वाले फीचर्स आपको डेल्टा वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आपको 1.5 लीटर का डुअल जेट डुअल वीवीटी इंजन मिल जाएगा, 1200 सीसी का जो कि प्रोड्यूस करता है 88 बीएचपी की पावर, 113 एनएम का टॉर्क। ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, चलिए फिर आपको उसका इंटीरियर दिखाते हैं, इस तरह के फीचर्स आपको उस कार के इंटीरियर में ऑफर करे जाएंगे। ये इसका का इंटीरियर जो कि थ्री टोन कलर में रहने वाला है, सोना को बता ही दिया, और वही पैटर्न आपको इसके डोर पे दिखाई देगा, डोर पे ब्लैक कलर का, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, एक्सटीरियर फोल्डेबल आपको इस कार में आरबीएम्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, ड्राइवर साइड आपको पोर्टेबल नॉब पावर कंट्रोल मिल जाते हैं, चार पावर कंट्रोल्स हो गए, सॉफ्ट टच हो गया, यहाँ पर बटर स्पेस है, टू खंड स्पेस और स्पीकर, बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा इंटीरियर इस कार का। और ये ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट अडजस्टमेंट का फीचर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सिर्फ आपको यहाँ पर रिक्लाइन करने का दिया जाएगा। और ये रहा बैक डोर इस कार का, डोबनों के ब्लैक कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक रहने वाला है, बटर स्पेस है, टू स्पेस, स्पीकर, और आप एक बार थर्ड साउंड सुनो डोर्स की, मैं आपको यहाँ की सुना देता हूँ। वैसे उस तरह का रहने वाला इंटीरियर इस कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं, आपको क्या क्या ऑफर करे जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। और ये इस कार का स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील तो आपको उसमें नहीं दिया जाता है, प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली। यहाँ पर आपको सर्कुलर में क्रोम मिल जाएगा, सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, और ये इस कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8 मीटर हो गया यहाँ पर, यूरिया स्पीडोमीटर,
बीच में मिल जाएगी आपको इतने साइज की MIDs, फ्यूल का, टेम्परेचर का, कितना चल गया कार, एवरेज जैसी चीजें आपको उसमें दिखती रहेंगी। कुछ होगी इसमें अलर्ट लाइट, स्टिक मिल जाएगी यहाँ पर ट्रिप लगाने के लिए। और ये ड्राइवर साइड AC वैन, यहाँ पर कार्बन फिनिश मिल जाती है। ट्रैक्शन ऑन का बटन जैसे आपको दिखाई दिया, कार का बोनट खोलने के लिए हो गया, फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए यहाँ पर। और इंजन स्टार्ट शो बटन आपको इसमें नहीं मिलता है, आपको यहाँ पर फिजिकली की लगानी पड़ेगी। और ये रहा सेंटर कंसोल, 7 इंच का दिया गया इसमें टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ दिया जाएगा। हजार डेट का हो गया बटन, AC वेंट्स हो गए, यहाँ पर कार्बन फिनिश हो गई, ग्रे फिनिश मिल जाती है आपको यहाँ पर। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB पोर्ट हो गया, थोड़ा स्पेस का फोल्डर्स हो गए दो। ऑटोमेटिक ट्रांजिशन में रहेगी ये कार, कुछ तरह का नोब रहेगा यहाँ पर। पियानो ब्लैक फिनिश हो गई। और ये रहा हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी आपको कार्बन फिनिश मिल जाती है। और ये ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, ना ही टिकट होल्डर। और ये कैबिन लैंप जो कि हैलोजन में रहेगा, दो कैबिन लैंप हो गए यहाँ पर, वो एक यहाँ पर मिल जाता है आपको। जब मैं रेयर सीट पर चलूंगा तो आपको दिखा दूंगा। और ये IRBM, मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और ये को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर, ग्रैब हैंडल हो गया, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहने वाली इस कार में, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फैब्रिक सीट्स रहेंगी जिन पर कुछ तरह का डिजाइन है जिसे आप देख सकते हैं। और ये रहा डैशबोर्ड ओवरऑल। और ये रहा इस कार का ग्लव बॉक्स, काफी ठीक ठाक साइज रहने वाला है ग्लव बॉक्स का। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर, पावर विंडो कंट्रोल, पार्ट बोर्ड ग्लास स्पेस और स्पीकर। ओवरऑल किससे कहता है फ्रंट सीट पर बैठकर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो हमने आपको दिखाई दिए हैं। अब लेके चलते हैं उस कार की रेयर सीट पर, वहां पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा। ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही से आइडिया होने वाला है कितना लेग रूम वहां पर। मेरी हाइट 6 फीट है। तो ये रेयर सीट इस कार की, जैसे आप जैसे अंदर थाई सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया रहेगा। फ्रंट में भी स्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे और लेग रूम में भी कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। और हेडरूम भी ठीक ठाक है अगर आप देखते हैं तो, हाइट ज्यादा ही है 6 फीट से भी और ज्यादा है, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और रेयर सीट पर बैठे उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट और बैक में भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 60:40 में आप रेयर सीट को स्प्लिट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट नहीं दिए गए हैं, रेयरी सी वेंट्स नहीं है यहाँ पर, क्योंकि छोटा सा ही कैबिन रहने वाला है। बलिनो के अप्रोक्सिस का कैबिन है, वो यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। 12 वोल्ट को गया पावर सॉकेट, थोड़ा स्पेस, कुछ साइज को यहाँ पर हम्प। और ये रहा बैक डोर, कुछ साइज को यहाँ पर ग्लास, ग्रैब हैंडल हो गया जैसे आपको दिखाई दिया। आपको यहाँ पर एक कैबिन लैंप मिल जाता है, फ्रंट में भी हो गया। तो ओवरऑल कुछ तरह का इंटीरियर, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। तो ऐसे हम देखो उस तरह का इस कार का बोल रहा हूँ, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर मिल जाते हैं मैंने आपको सभी दिखा दिए हैं। जैसे आपने देखा सभी फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स की कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। अगर आप फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कार को देखते हैं तो ये टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, इंटीरियर में आपको सभी फीचर्स मिल जाएंगे जैसे टॉप मॉडल में रहते हैं ना फीचर्स, सभी फीचर्स ऐसे आपको इस कार में ऑफर करे जाते हैं। एक्सटीरियर देखकर कोई भी नहीं कहने वाला है कि मिड वेरिएंट है, क्योंकि LED DRS देखने में काफी बढ़िया लगती है। LED आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, ग्रिल भी देखने में काफी बढ़िया लगती है। और बैक में आपको LED टेल लाइट मिल जाएगी, जिस वजह से टॉप मॉडल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती इस वाले वेरियंट में। इसी वजह से सबसे ज्यादा सेल होने वाला वेरियंट है वो इस कार का यही वाला है, डेल्टा प्लस। टॉप रिकमेंडेड है, टॉप सेलिंग है, वो वैल्यू फॉर मनी है। वो प्राइस तो हमने आपको इस कार का बता ही दिया, 8,72,000 रुपीज के शोरूम प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाती है। अगर आपको इस कार की और ब्रांड की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं।